ये बात हर धर्म हर मजहब बोलता है, भगवान सर्व व्यापक है। तो खुदा हो गॉड हो कोई हो, सर्व व्यापक बोलता है, मानता नहीं। अगर कोई मान ले, रियलाइज करे कि भगवान सर्व व्यापक है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, कुछ करना धरना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मानेगा तो सदा सर्वत्र भगवान का ही अनुभव करेगा, फिर संसार का सामान नहीं देखेगा, उसमें व्याप्त भगवान को देखेगा। तो अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदत, वेद कहता है बस इतना तुम मान लो भगवान सर्वव्यापक है, बस तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारा साध्य मिल गया, एम तुम्हारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया। व्यापक नहीं मान सकते, चलो छोड़ो, तुम्हारे हृदय में श्याम सुंदर रहते हैं, हृदय में भगवान रहते हैं, बस यही रियलाइज कर लो। हर समय हर जगह हमारे हृदय में है, फिर कोई मक्कारी नहीं कर सकते। हृदय में है, वही तुम हो, वही भगवान है, वो तुम्हारी हर हरकत को नोट कर रहा है, ऐसा महसूस करो, बस काम बन जाएगा। कभी भगवान को तुम भूल नहीं सकते, अगर भगवान को भूले तो फिर तुम हृदय में भगवान रहता है ये सिद्धांत भी भूल गए। कभी कभी याद आ गया वो बात अलग है, लेकिन जैसे मैं को सदा सर्वत्र रियलाइज करते हो, मैं हूं, सोने में भी मैं सपना देख रहा हूं, गहरी नींद में भी मैं आनंद में सो रहा हूं, ये मैं नहीं कभी समाप्त होता, इसको नहीं भूलते आप। मैं किसी भी दशा में मैं को नहीं भूल सकते, सदा सर्वत्र मैं को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। इसी प्रकार मैं का जो बाप है, मैं का जो रक्षक है, मैं का जो पालक है परमात्मा भगवान, उसको भी सदा सर्वत्र महसूस करना, ये है वास्तविक आस्तिक बनने का सिद्धांत। अगर ये कर लो बस भगवान से मिला देगा, एक मानना ही। Hari Jai Guru Ram।
तीसरा और है, वो भी महसूस कर लो तो भी काम बन जाए। वो कौन है? हरि में निवास तेरा गोविंद राधे। परमात्मा में रहता है, थोड़ी दूर नहीं, उसी के भीतर रहता है। जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे ही परमात्मा में ये जीव बैठा है, उसकी गोद में अंदर। ये बात अगर सदा रियलाइज करो, मैं परमात्मा में बैठा हूं, तो परमात्मा का विस्मरण नहीं हो सकता, वो भुलाया नहीं जा सकता। और जो सदा याद रहेगा, बस काम बन गया, भगवत भक्ति वगैरह सब हो गई। हरि में निवास।